अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये क्रेन के कंप्यूटर सेटिंग के बारे में, क्रेन के कंप्यूटर किस तरह सेट करते हैं। ये मेरे पास क्रेन है सैनी STC 750। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कंप्यूटर की सेटिंग किस तरह करते हैं। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आपने क्रेन स्टार्ट करके ऊपर ऑपरेटिंग केबिन में आ जाना है। जब आप ऑपरेटिंग केबिन में आ जाएंगे तो इधर से आप ये स्विच ऑन करना है। अभी ये हमारा स्विच ऑन हो गया है, अभी हमारा कंप्यूटर चालू हो रहा है। इस कंप्यूटर है, इसको हम अपनी ज़बान में कंप्यूटर बोलते हैं, और RCL भी बोलते हैं, LMI भी बोलते हैं इसको। RCL मीन्स रेटेड कैपेसिटी लिमिटर, और LMI होता है लोड मोमेंट इंडिकेटर। तो अभी हमारा ये ऑन हो गया, हमसे मांग रहे हैं अभी जैक आउट रिगर्स। तो ये F8 है, हम इसको प्रेस करेंगे। ये सामने अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको, तो हम इधर इसको F8 को प्रेस करेंगे, जब ये ओके हो जाएगा दोबारा फिर इसको प्रेस करना है। ये अभी ओके हो गया हमारा, अभी ओके हो गया, अभी सब शो हो रहा है। तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये हमारी टिप हाइट है 2.8 है, क्योंकि बूम डाउन है इसलिए 2.8 है इसकी। ये इसकी परसेंटेज है 20% पे है। ये इसका मैक्सिमम लोड है, क्योंकि अभी सिंगल पे है एक्सेलरी पे, तो इसका 4 टन आ रहा है। ये इसका लोड जो हुक डिवाइसेस का लोड होता है वो इसका लोड आ रहा है 0.8। ये इसकी जो चीज़ है, ये इसकी बूम लेंथ है 11.7 इसकी बूम लेंथ है। ये बूम एंगल है अभी 0.0 डिग्री पे खड़ा है ये बूम एंगल इसका। ये जो है ये इसका रेडियस है 10.2 मीटर, इस टाइम रेडियस शो हो रहा है इसका। तो अभी आपको इसको सेटिंग बताते हैं कि इसके किस तरह चेंज करते हैं, दूसरा पार्ट ऑफ लाइन किस तरह चेंज करते हैं, मेन हुक और एक्सेलरी किस तरह चेंज करते हैं। तो आपको अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ये। तो आप देख रहे हैं जैसा कि हमारा अभी एक्सेलरी पे खड़ा है, ये 1 पार्ट एक्सेलरी 4 टन कैपेसिटी आ रहा है, इसको अभी हमने चेंज करना है। ये बटन है नीचे F2 का, F2 को हम प्रेस करेंगे तो अभी फ्लाई जेब पे आ गया। दोबारा फिर प्रेस करेंगे, फ्लाई जेब की एंगल आ रहे हैं, फिर प्रेस किया फिर एंगल आ रहे हैं, फिर एंगल आ रहे हैं, अभी फिर 30 एंगल है। अभी मेन हुक आ गया, अभी मेन हुक का एक पार्ट है जिसका 6.3 टन कैपेसिटी शो हो रहा है एक पार्ट का। तो अभी इसका अगर पार्ट ज़्यादा करना है तो हम इसको प्रेस कर, तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे F3 को। अभी 1 पार्ट ऑफ लाइन है, 6.3 इसकी कैपेसिटी आ रही है। तो अभी हम F3 को प्रेस करते हैं, F3 को प्रेस किया 2 पार्ट ऑफ लाइन 12.5 कैपेसिटी है। तो इस तरह 3 हो गए, 4 हो गए, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल इसका ये 12 पार्ट ऑफ लाइन में है। तो अभी हमारी क्रेन 12, अभी क्रेन हमारी 4 पार्ट ऑफ लाइन में खड़ी है, तो हम 4 पार्ट ऑफ लाइन में इसको रखेंगे। जितने पार्ट ऑफ लाइन में हमारी क्रेन खड़ी होगी तो उतनी पे हमने इधर सेटिंग पे रखना है, क्योंकि फिर लोड का कैपेसिटी उस हिसाब से होता है। तो अभी हमने रख दिया, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे जी दोस्तों। अभी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, इसके सैनिक क्रेन STC 750 के कंप्यूटर के बारे में। तो ये आगे, ये है इसका विंड स्पीड मीटर जो आरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक, आरामको में 8.8 GMS में मीटर है। अगर 8.8 से विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो हम काम बंद कर देते हैं। तो अभी तो विंड स्पीड बहुत कम है, दूसरा बूम हमारा 0 एंगल पे है, तो इधर कंफर्म पता नहीं चलेगा कि कितना हमारा विंड स्पीड। अभी 0.4 आ रहा है। जब भी विंड स्पीड चेक करना है, जितना बूम उधर रिक्वायर्ड है उतना बूम निकाल के हम लोग 360 पे उसको घुमा के बूम को चेक करेंगे कि विंड हमारी हवा किस डायरेक्शन से आ रही है।
जब भी हमारी विंड स्पीड 8.8 से ज़्यादा होगी तो हमने काम बंद कर देना है। तो ये हमारा विंड स्पीड मीटर है, ये RCL है। RCL के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं।